बाइक, और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें से मैंने पहले इसका इंजन काउल और एग्जॉस्ट निकाल दिया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, जो ये वेंट है, ये है इंजन से जहाँ एग्जॉस्ट जुड़ता है, और ये रहा मेरा पुराना डर्टी एग्जॉस्ट। अब आपको करना क्या है, आपको सैंड पेपर से आपको जो एग्जॉस्ट है उसे क्लीन लेना है। और हाँ गाइस, एक बात बताना चाहूँगा, मैंने जो इसका बेंड पाइप है, ये मैंने मार्केट से परचेज़ किया है, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना स्टॉक एग्जॉस्ट को कट करूँ। सो मैंने अपाचे RTR 180 का एक एग्जॉस्ट मार्केट से परचेज़ किया है, तो उसमें काफ़ी रस्ट था, तो उसे मैंने सैंड पेपर से क्लीन कर लिया है। अब आप देख पा रहे हैं, प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। अब मैं इसमें मैट ब्लैक स्प्रे से पेंट करूँगा। ध्यान रखिएगा कि आप इसे 25 से 30 सेंटीमीटर दूर से स्प्रे करें, ये करना बहुत ज़रूरी है, जिससे प्रोटेक्टिव रहेगा और काफ़ी अच्छा दिखेगा। अब मैं इसमें डबल कोट कर रहा हूँ, जिससे कि ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा और अच्छा दिखेगा। तो ये सूखने के बाद, इसे सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गाइस, बिकॉज़ ये फास्ट ड्राइंग पेंट है। तो देखिए, इस टाइप का लगेगा सूखने के बाद। और हाँ गाइस, बताना चाहूँगा, इसे मैंने जो एग्ज़ॉस्ट है उसे मैंने गैस वेल्डिंग के थ्रू इस पेंट पाइप में अटैच करवा लिया था। थोड़ा सा रिमेनिंग पोर्शन है, उसे भी स्प्रे कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको ये जो एल्की दिख रही है 6 नंबर की, इसे लेके जो एग्जॉस्ट है उसे इंजन से कनेक्ट कर देना है। आप इसे प्रॉपरली कनेक्ट कीजिएगा गाइस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने प्रॉपरली कनेक्ट कर दिया इंजन से, तो लगने के बाद ये कुछ इस टाइप का लगेगा। तो चलिए एक बार इसकी साउंड चेक कर लेते हैं प्रॉपरली, जैसी मैं साउंड चाह रहा हूँ वैसी आ रही है नहीं। साउंड इज क्वाइट गुड, लेट्स ट्राई इट हार्ड। नाउ लेट्स स्ट्रिप दिस एग्जॉस्ट, लुकिंग कूल मैन, दैट्स व्हाट आई वांट। अब बारी आती है क्लैम इंस्टॉलेशन की। ये जो क्लैंप आप देख रहे हैं, मुझे एग्जॉस्ट के साथ ही मिला था। इससे होगा क्या, आपके जो एग्जॉस्ट है इसे एक्स्ट्रा सपोर्ट और रिजिडनेस मिल जाएगी। ये जो आप लोहे की पत्ती देख रहे हैं, ये मैंने गैस वेल्डिंग वाले से ही ली थी, और उसमें मैंने होल्स करवा लिए थे, सो मैं खुद इसका इंस्टॉलेशन प्रॉपरली कर पाऊँ। तो आपको करना क्या है, आपको जो गाड़ी का जो स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ था, इस पत्ती को आपको उससे कनेक्ट करना है, और फिर एक बोल्ट के थ्रू उससे कनेक्ट कर लेना है। तो मैं इसे टाइटन कर देता हूँ। अब ये प्रॉपरली टाइट हो गया है, और इससे काफ़ी रिजिडनेस और सपोर्ट मिल जाएगा। तो फाइनली
कुछ इस टाइप का दिखेगा ये इंस्टॉलेशन के बाद। नाउ लेट्स चेक द साउंड ऑफ द एग्जॉस्ट, ब्रांड न्यू एग्जॉस्ट। Now I'm removing DB killer by using 5 number L key. This looks awesome. Now sound without DB killer. तो अब मैं दिखाऊंगा आपको एक्रोपोविक स्टिकर इंस्टॉलेशन कैसे आप और अच्छा दिखा सकते हैं अपने एग्जॉस्ट को। तो ये स्टिकर मैंने पास ही में से बनवाया है, स्टिकर शॉप से जहाँ पर नंबर प्लेट्स बनती हैं गाड़ी की और स्टिकर डिकेल्स बनते हैं। तो लगने के बाद ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। Looks good. इसे प्रॉपरली आप फिक्स कर लीजिए।
तो फाइनली ये रहा गाड़ी का फाइनल लुक, एंड इम्प्रेसिव, गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।